मुल्तान में भी मिजा साहब से जो है ना, अभी लिस्ट तो जारी नहीं हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो हमारा साथ नहीं देंगे उनके क्लब उड़ा देंगे, उनके प्रेसिडेंट चेंज कर देंगे। मिजा साहब इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो है 22 सात का मुकाबला टोटल 29 क्लब है, 22 क्लबों ने हमारी हमायत से हमारे ग्रुप की कर दी है। हाँ। लेकिन अहमद नवाज साहब जो है ना जी, वो यहाँ दो नंबरी करना चाह रहे हैं। हालांकि जिसको हमारे मुकाबले में प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया सलीम पौंसी साहब, वो तो पहले हमारे ग्रुप से प्रेसिडेंट थे। हाँ। तो अब ये क्लबों को ये तकिया लगाई जा रही है कि आपका अगर आपने हमें वोट ना दिया तो आपका जो है ना क्लब जो है वो खत्म कर दिया जाएगा और आपका क्लब का जो प्रेसिडेंट वो चेंज कर दिया जाएगा। ये पूरे मुल्तान रीजन में ये सूरत आवेदन पैदा की हुई है। हालांकि बिल्कुल 1 साइडेड फॉर मुकाबला है मियां मुनीर ग्रुप का। अगर इलेक्शन फेयर और सही लिस्टों से कराया जाए तो 90-10 का मुकाबला सर। अच्छा, यह पोजीशन मुल्तान की। अच्छा, ये बताएं कि ये अहमद नवाज का क्या रोल है? उनके बेटे को भी नवाज दिया गया है। अहमद नवाज तो हर दफा मशहूर थे ना कि वो अदालतों में चले जाते हैं, बजाय क्रिकेट मैदान में खिलाने के वो अदालत में चले जाते हैं। उनका क्या रोल है इस हवाले से? उनके बेटे को इन्होंने ना किसी में मुल्तान रीजन और बहावलपुर रीजन का कोऑर्डिनेटर बनाया है और उसको कुछ 90,000 का तनख्वाह भी दी जा रही है। अच्छा, इस तरह से नवाजा गया है और आगे पता नहीं और उसके क्या क्या मुतालबात है। आपको पता ही है सर, हमारा साहब आप तो जानते ही हैं कि मैं तो 45 साल से मुल्तान की क्रिकेट की खिदमत कर रहा हूँ और बड़े यहाँ प्रोग्राम करवाए हैं, ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट किए हैं, ऑली अवार्ड के नाम से प्रोग्राम किए हैं, कोचिंग कैंप्स लगाए हैं। हाँ। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि क्लबों के मामला पे मुदाखलत की जा रही है। हाँ। और हालांकि आपको सर पता है कि जो भी जीतता है वो पीसीबी के साथ ही चलेगा। ये तो हो रही सर।